नमः शिवाय बोले। शिव में ध्यान लगा जो शिव का सुमिरन करे, शिव का ही हो जाए। शिव है शिव ही सुंदर, शिव में ये संसार, आप ही शिव सबके गुरु, दूर करे अंधकार। जटा में शिव के संग, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। शिव व्यापत सर्वत्र हैं, कण कण करते वास, सदा ही शिव गुरु रहते हैं निज भक्तों के पास। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। गुरु की महिमा अनंत, अनंत किए उपकार, शिव की शरण जो आते हैं होते भव से पार। सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। महाकालेश्वर ओंकारेश्वर, मल्लिकार्जुन सोमनाथ, भीम शंकर विश्वनाथ, नागेश्वर नागेश्वर वैद्यनाथ। केदारनाथ त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर भोलेनाथ, नीलकंठेश्वर अमरनाथ, तेरी जय हो पशुपतिनाथ। गाय सभी शिव से डरता
अकाल जिस पे कृपा बरसाते बाबा हो जाता खुशहाल। चार भुजा तीन नेत्र हैं कर शोभे तिरशूल जग के पालन हार हैं शिव सृष्टि के तुम मूल। पर ले करे बची ना कुछ भी शेष तीसरा नेत्र जो खोल दे गिरजापति महेश। विश्वनाथ की महिमा परंपार भक्तों को भोजन प्रदान करे जानी सकल जहां। कल्याण करे जानी सकल जहां सृष्टि की रक्षा है तो शिव जीने की आविश पा। कट की नाशक विघ्न का करते नाश शिव के तेज से सूर भी जग में करे प्रकाश। जो भी व्रत सोमवार मनोकामना पूर्ण हो सुखी रहे परिवार। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ बोया है हमने पहले
पहले उसी का फल हम अब खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। सत्य नियम है यही धरा का, सत्य नियम है यही धरा का, इक आ रहे हैं इक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जगत में जाना तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे वही तो वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। धान की बालियों में समाए मेहंदी की लालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में समाए मेहंदी की लालियों में, हर डाल हर पत्ते में समा कर हो, हर डाल हर पत्ते में समा कर फूल खुशी के खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। बोलिए शंकर भगवान की। भक्तजनों, देवादिदेव दानियों के दानी भोलेनाथ की अनेकानेक गाथाएं आपने वेद पुराणों के माध्यम से सुनी, पढ़ी और देखी होंगी। ऋषि मुनियों ने भी भगवान भोलेनाथ की महिमा को गाकर अपनी वाणी पवित्र की है। तो भक्तों, आज मैं आपको
इस संगीतमय कथा के माध्यम से भोलेनाथ की दानवीरता की कुछ प्रसिद्ध कथाएं सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने मात्र से आपके जन्मों जन्मों के संचित पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे तथा आप भोले शंकर के कृपा पात्र बन जाएंगे। तो भोले भंडारी के पावन स्वरूप का सुमिरन करते हुए, उनके चरणों का वंदन करते हुए आइए सुनते हैं भोले दानी की दानवीरता की ये पावन संगीतमय कथा। हम आज तुम्हें भोले दानी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। क्यों एक लोटा जल से भंडारी खुश हो जाते हैं, हम गाथा गाते हैं। कैसे असुरों को भी शिव शंकर वर दे जाते हैं, भक्तों वर दे जाते हैं। हम आज तुम्हें भोले दानी की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। जय जय शंकर भगवान, हम करते तुम्हें प्रणाम। जय जय शंकर भगवान, हम करते तुम्हें प्रणाम। भक्त जनों, सबसे पहली पावन कथा आती है सागर मंथन के समय की। देव और असुर आपस में लड़ते रहते थे और एक दूसरे की शक्ति को क्षीण करते रहते थे। दैत्य गुरु और देव गुरु भी इस लड़ाई से परेशान हो गए थे। सो वो दोनों त्रिदेवों की शरण में आए और उनसे कोई हल पूछने लगे। तब त्रिदेवों ने सुझाया कि देवों को और असुरों को सागर मंथन के कार्य में लगवा दिया जाए, जिससे ये युद्ध भूल जाएंगे तथा सागर मंथन से जो कुछ भी प्राप्त होगा उसे आपस में बांट लेंगे, जिससे इनका आपसी वैमनस्य भी समाप्त हो जाएगा। मंदराचल को मथनी कर ली, नागवासुकी को नेती। भगवान श्री हरि विष्णु ने कूर्म अवतार धरकर मंदराचल गिरी को अपनी पीठ पर धारण किया। मंथन प्रारंभ हुआ भक्तों, और सबसे पहले निकला हलाहल विष, जिसे कोई भी प्राप्त नहीं करना चाहता था, परंतु मंथन की शर्त के अनुसार किसी ना किसी को तो इसे ग्रहण करना ही होगा, अन्यथा ये विष सारी सृष्टि में फैल जाएगा और हर प्राणी का अंत हो जाएगा। अब समस्त देव असुर ब्रह्मा विष्णु भगवान भोलेनाथ की शरण में आए और उनसे उनकी रक्षा करने का आह्वान करने लगे। देवादि देव भोलेनाथ दानियों के दानी आगे आए, विष का पात्र उठाया और उसे निगलकर अपने कंठ में बसा लिया। भक्तों, उनका कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए देवी देवताओं ने उन्मुक्त स्वर से भगवान नीलकंठ की जय जयकार लगाई। तो ऐसे हैं मेरे भोलेनाथ, जो सृष्टि के हित के खातिर विषपान करने से भी पीछे नहीं हटते। भक्तों, देव असुर आपस में मिलकर लड़ते जाते हैं, देव गुरु और असुर गुरु तो विचार बनाते हैं। त्रिदेवों के पास में दोनों चलकर आते हैं, सागर मंथन करवाओ ये उपाय बताते हैं। मंथन से विष बाहर आया सब घबराते हैं, भोले शंकर सन्मुख विष कंठ लगाते हैं। दानवीर शिव जी ने फिर सृष्टि को बचाया है, नीलकंठ का सबने मिल जयकार लगाया है। नीलकंठ के चरणों सारे शीश नवाते हैं,
मिलकर शीश नवाते हैं। हम आज तुम्हें भोले दानी की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। जय जय शंकर भगवान, हम करते तुम्हें प्रणाम। जय जय शंकर भगवान, हम करते तुम्हें प्रणाम। भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया। नीला कंठ होने के कारण उनका एक नाम नीलकंठ पड़ गया भक्तों। और नीलकंठ भगवान की तीनों लोकों ने जय जयकार गाई। मंथन फिर प्रारंभ हुआ भक्तों। एक एक कर 14 रत्न निकले, जिसे शिवजी ने देवों और असुरों में अपने अपनी योग्यता के अनुसार बांट दिया। जब महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, तब देव और असुर दोनों ही उन्हें प्राप्त करना चाहते थे, परंतु देवादिदेव भोलेनाथ की दया से श्री हरि ने लक्ष्मी को अपनी पत्नी रूप में पाया और अपने वाम अंग में स्थापित किया। ऐसे ही जब वेदों का उद्गम हुआ, तो दानियों के दानी देवादिदेव की कृपा से वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, जिसके स्वरूप उन्होंने सृष्टि की संरचना की। इसीलिए ब्रह्मा, विष्णु, देवी देवता और असुरों ने भोले दानी से कुछ ना कुछ प्राप्त ही किया भक्तों। चौदह रतन मंथन से निकले, सबने बांट लिए। जैसे ही महालक्ष्मी प्रगटी, देव और दैत्य लड़े। शिव की कृपा से लक्ष्मी विष्णु वाम समाई है। श्री विष्णु ने भोले की जयकार लगाई है। वेदों का उद्गम जो हुआ तो ब्रह्मा जी को दिए। इसी ज्ञान से ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण किए। चंदा जब निकला तो अपने शीश बसाए। दान वीर भोले की सब जयकार लगाए हैं। भस्मासुर की कथा सुनो अब तुम्हें सुनाते हैं, भक्तों तुम्हें सुनाते हैं। हम आज तुम्हें भोले दानी की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। जय जय शंकर भगवान, हम करते तुम्हें प्रणाम। जय जय शंकर भगवान, हम करते तुम्हें प्रणाम। अब सुनिए भक्तों, भोले दानी की दानवीरता की एक और पावन कथा। कथा का संबंध भस्मासुर नामक भयंकर दैत्य से है भक्तों। भस्मासुर बड़ा भारी दैत्य था, अत्यंत बलशाली था और अपने बल से सारी सृष्टि में उत्पात मचाता रहता था। अब उसके हृदय में अजर अमर होने की इच्छा जागृत हुई भक्तों। सो इस हेतु वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शरण में गया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का घनघोर जाप करने को कहा। दैत्य भस्मासुर ने ऐसा ही किया भक्तों। ऐसी तपस्या की भगवान भोलेनाथ की कि तीनों लोग थर थर कांपने लगे। भगवान भोलेनाथ उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए तथा उसे वरदान देने उसके सन्मुख आ पहुंचे। पहले तो असुर ने अजर अमर होने का वर मांगा, परंतु जब भोलेनाथ ने उसे ये वरदान नीति विरुद्ध होने का कारण दिया, तब उसने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जिसके शीश पर हाथ धरूं वो तत्काल भस्म हो जाए। भोले शंकर ने आव देखा न ताव, भक्ति भाव से प्रसन्न होकर तत्काल प्रभाव से तथास्तु कह दिया। बस फिर क्या था, इस वर को आजमाने के लिए वो असुर भोलेनाथ के ही सर पर अपना हाथ धरने को उद्यत हो गया। अब भोलेनाथ
अपने प्राण बचाते हुए भागने लगे। भागते भागते विष्णु लोक में आए भक्तों और उनसे अपने प्राणों की रक्षा का आह्वान किया। भगवान विष्णु ने मोहिनी का स्वरूप धारण किया भक्तों, और मोहिनी स्वरूप में क्या क्या लीला करी आइए आपको सुनाता हूँ। भस्मासुर ने शिव का भारी तप लगाया है, वर देने आए भंडारी कैसी माया है। जिसके सिर पर हाथ धरूं वो भस्म हो जाए, ऐसा वर शिव जी से वो पापी है फिर पाए। शिव के सिर पर हाथ धरा ने पीछे आया है, शिव को बचाने विष्णु मोहिनी रूप बनाया है। नाचते नाचते मोहिनी सिर पे हाथ धराती है, भस्म हो गया असुर वो शिव के प्राण बचाती है। मोहिनी के चरणों में शिव जी शीश नवाते, शिव जी शीश नवाते हैं। हम आज तुम्हें भोले दानी की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। जय जय शंकर भगवान, हम करते तुम्हें प्रणाम। जय जय शंकर भगवान, हम करते तुम्हें प्रणाम। अब सुनिए भक्तों वो पावन कथा, जिसे सुनकर आपको ज्ञात हो जाएगा के कैसे रावण ने सोने की लंका प्राप्त की थी। एक समय की बात है भक्तों, गौरा मैया ने देखा कि माँ लक्ष्मी सोने चांदी के महलों में रहती है, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनती है, सो उनके भी मन में महलों में रहने की इच्छा जागृत हुई। भोलेनाथ के साथ जंगलों में रह रहकर उनका मन ऊब गया था, सो मन की इच्छा भोले भंडारी से कह दी। पहले तो भोले भंडारी ने बहुत समझाया कि गौरा महलों में रहना तेरी किस्मत में नहीं, परंतु माँ गौरा तो हटपरड़ी हुई थी। सो भोलेनाथ ने देव शिल्पी विश्वकर्मा जी को बुलाया और उनसे सोने की एक नगरी का निर्माण करवाया। अद्भुत नगरी बनवाई थी भोलेनाथ ने माँ गौरा के लिए। अब प्रश्न आया कि गृह प्रवेश के लिए किस ब्राह्मण को बुलवाया जाए। सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण केवल एक ही था पूरी सृष्टि में भक्तों, वो था रावण। सो भगवान भोलेनाथ ने रावण को गृह प्रवेश की पूजा हेतु बुलवाया। रावण ने पूजा करवाई, भोलेनाथ अति प्रसन्न हुए। पूछा, दक्षिणा में क्या चाहते हो? तो रावण ने दक्षिणा में वही सोने की लंका मांग ली भक्तों, और भोलेनाथ ने भी बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। माँ गौरा हैरान परेशान है कि किस औगड़दानी से पाला पड़ा है, परंतु भोलेदानी तो भोलेदानी है भक्तों। गौरा की खातिर सोने की लंका बनाए हैं, गृह प्रवेश की पूजा को रावण बुलवाए हैं। लंका देख के रावण का फिर जी ललचाया है, मांग ली सोने की लंका दक्षिणा में पाया है। गौरा है हैरान की भोला कैसा दानी है, मेरा महल रावण को दीना अजब कहानी है। दानियों के दान की लीला कोई ना जाने, शिव लीला तीनों लोकों में कोई न पहचाने। शिव सा दानी कोई नहीं ये वेद बताते हैं, भक्तों वेद बताते हैं। हम आज तुम्हें भोले दानी की कथा सुनाते हैं,
हम गाथा गाते हैं। जय जय शंकर भगवान हम करते तुम्हें प्रणाम, जय जय शंकर भगवान हम करते तुम्हें प्रणाम। ऐसे ही भक्तों मेरे भोले दानी की अनेकानेक गाथाएं वेद पुराणों में वर्णित है, जिनका वर्णन करने के लिए मेरा ये एक जन्म परिपूर्ण काफी नहीं है। भक्तों भागीरथ के पुरखों को तारने हेतु मेरे भोलेनाथ ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया, एक से एक भयंकर असुर दैत्य ने मेरे भोलेनाथ से ऐसे ऐसे अभय वरदान प्राप्त किए कि कई बार देवों के प्राण भी संकट में आ गए। इसीलिए आप भी यदि मेरे भोलेनाथ की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हर सोमवार भगवान शिव के मंदिर जाइए। भक्तों शिवलिंग को गंगा जल से नहलाइए, भांग धतूरा बेलपत्र से उन्हें प्रसन्न कीजिए, फिर देखिए आप जीते जी तो भौतिक सुख भोगेंगे ही, जीवन के अंत में शिवलोक को प्राप्त होंगे। तो ऐसे दानी महादानी देवों के देव भोलेनाथ की सच्चे हृदय से जय जयकार बोलते हुए मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए, बोलिए भगवान भोले शंकर की। सोमवार को प्रिय मानते शिव मंदिर जाओ, एक लोटा गंगा जल से शिव जी को नहलाओ, भांग धतूरा बेल पत्री से आवाहन करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का तुम पूजन करना, भौतिक जीवन के तुम सारे सुख फिर पाओगे, अंत समय में शिव के लोक में जगह पाओगे, चंदन तिलक लगा कर शिव की कृपा पाना तुम, शिव चरणों में शीश नवाना जय जय बुलाना तुम, शिव का नाम जो जपते भव से वो तर जाते हैं, भव से वो तर जाते हैं। हम आज तुम्हें भोले दानी की कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। जय जय शंकर भगवान हम करते तुम्हें प्रणाम, जय जय शंकर भगवान हम करते तुम्हें प्रणाम। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के, हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के, हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के, हम हो गए भोले बाबा के, हम हो गए भोले बाबा के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के, स्वामी है तीनों लोकों के स्वामी है, तीनों लोकों के
स्वामी है, शिव शंकर अंतर्यामी है, कण कण में ये तो रहते हैं। हम हो गए भोले बाबा के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। भोला शंकर डमरूधारी, भोला शंकर डमरूधारी, शिव की दासी सृष्टि सारी, सब पर ही कृपा ये करते हैं। हम हो गए भोले बाबा के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। सेवक बन जाए, जो इनका सेवक बन जाए, उसका हर संकट टल जाए, दुख शोक सभी का हरते हैं। हम हो गए भोले बाबा के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए भोले बाबा के। शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हर हर भोले नमः शिवाय शिवाय ओम
शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। Holy।
नमः शिवाय शिव।
हर हर भोले नमः शिवाय। हर भोले नमः शिवाय।
हर भोले नमः शिवाय। शिव
नमः शिवाय।
शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। Shiva।
नमः शिवाय। हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
भोले नमः शिवाय। हर भोले नमः शिवाय। लगते बड़े ही प्यारे, लगते बड़े ही प्यारे भोले बाबा हमारे, लगते बड़े ही प्यारे भोले बाबा हमारे। भोले बाबा हमारे, भोले शंभो हमारे, लगते बड़े ही प्यारे भोले बाबा हमारे, लगते बड़े ही प्यारे भोले बाबा हमारे। माथे पर चमके है चंदा, माथे पर चमके है चंदा, और जटाओं में है गंगा, और जटाओं में है गंगा। हाँ तन पर है भस्म को धारे भोले बाबा हमारे, लगते बड़े ही प्यारे भोले बाबा हमारे, लगते बड़े ही प्यारे भोले बाबा हमारे। एक हाथ में त्रिशूल साजे, दूसरे हाथ में डमरू बाजे, दूसरे हाथ में डमरू बाजे। हाँ कैलाश पर्वत विराजे भोले बाबा हमारे, लगते बड़े ही प्यारे भोले बाबा हमारे, लौकी
लौकिक शिव शंकर का, जो देखे हो जाता इनका, हाँ देवों में सबसे है न्यारे भोले बाबा हमारे, लगते बड़े ही प्यारे भोले बाबा हमारे, लगते बड़े ही प्यारे भोले बाबा हमारे, भोले बाबा हमारे भोले शंभु हमारे, भोले बाबा हमारे भोले शंभु हमारे, लगते बड़े ही प्यारे भोले बाबा 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 हमारे। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बाए, मुंड माल तन क्षार लगाए, वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हावे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कही जात न काओ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायौ, लवनिमेष महमार गिरायौ, आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा, त्रिपुरा सुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई, किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही, वेद माही महिमा तुम गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई,
कटियु दधि मंथन में ज्वाला जरत सुरासुर भये बिहाला कीन्ही दया तह करी सहाय नीलकंठ तब नाम काई पूजन रामचंद्र जब कीन्हा जीत के लंक विभीषण दीन्हा सहस कमल में हो रहे धारी कीन परीक्षा तब ही पुरारी एक कमल प्रभु राखे उजोई कमल नयन पूजन चह सोई कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए चितवर जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवासी दुष्ट सकल नित मोहि सतावे भ्रमत रहो मोहि चैन नयावे त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबारो ले त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट ते मोहियान उबारो मातु पिता भ्राता सब होई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक है आस तुम्हारी आय हरहु मम संकट भारी धन निर्धन को देत सदाही जो कोई जाचे सो फल पाही अस्तुति के ही विधि करे तुम्हारी क्षमहु नाथ अब चूक हमारी शंकर हो संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न विनाशन योगियति मुनि ध्यान लगावे नारद शारद शीश नवावे नमो नमो जय नमः शिवाय सुर ब्रह्मा दिक पार न पाए जो यह पाठ करे मन लाए तापर होत है शंभु सहाय ऋणिया जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हारी पुत्रहीन कर इच्छा जोई निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई पंडित त्रयोदशी को लावे ध्यान पूर्वक हवन करावे त्रयोदशी व्रत करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे शंकर सम्मुख पाठ सुनावे जन्म जन्म के पाप न सावे अंत धाम शिवपुर में पावे अंत धाम शिवपुर में पावे
नित नेम उठि प्रातही पाठ करो चाली तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदी
दुर्गत करा काल तो
हम चाहे।